इस वीडियो में हम फर्स्ट प्रोटोकॉल देख रहे हैं फॉर नाइसलेस चैनल एलिमेंट्री डेटा लिंक प्रोटोकॉल और सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल. द फॉलोइंग अजम्पशंस हैड बी मेड फॉर डेवलपिंग द सिंपलेक्स प्रोटोकॉल. तो सिंपलेक्स यानी एलिमेंट्री डेटा लिंक प्रोटोकॉल को डेवलप करने के लिए कुछ अजम्पशंस कंसिडर किए जाते हैं. जैसे द चैनल इज ए परफेक्ट नॉइसलेस चैनल. ये अज्यूम किया जाता है कि जो चैनल है जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट होना है वो नॉइसलेस होगा. एन आइडियल चैनल इन विच नो फ्रेम्स आर लॉस्ट डुप्लीकेटेड और करप्टेड. और ये अज्यूम किया जाता है कि जो चैनल है उसमें कोई भी फ्रेम्स जो हैं वो लॉस्ट नहीं होंगे या उसका डुप्लीकेशन नहीं होगा और ना ही वो करप्ट होंगे. नो फ्लो एंड एरर कंट्रोल यूज. इसमें फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म का यानी कि एक्नॉलेजमेंट का और एरर कंट्रोल का यूज़ नहीं करना पड़ेगा. इट इज़ यूनी डायरेक्शनल प्रोटोकॉल इन विच डेटा फ्रेम्स आर ट्रेवलिंग इन ओनली वन डायरेक्शन फ्रॉम सेंटर टू रिसीवर. और जो डेटा ट्रांसमिशन होगा वो यूनी डायरेक्शनल होगा यानी हमेशा सेंडर ही जो होगा वो रिसीवर को डेटा ट्रांसमिट करेगा, रिसीवर सेंडर को डेटा ट्रांसमिट नहीं करेगा. बोथ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग होस्ट आर ऑलवेज रेडी. जो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग होस्ट होंगे यानी सेंडर और रिसीवर डिवाइस जो होंगे वो हमेशा रेडी होंगे डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए. इनफाइनाइट बफर स्पेस इज अवेलेबल. और ये अज्यूम किया गया है यहाँ पर कि जो रिसीवर है उसका बफर जो है वो इनफाइनाइट लेंथ का है जिसकी वजह से सेंडर जो है डेटा ट्रांसमिट करता जाएगा और रिसीवर जो है बफर के थ्रू डेटा रिसीव कर लेगा. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो बफर है उसका स्पेस फुल हो जाए. प्रोसेसिंग टाइम दैट इज स्मॉल इनफ टू बी नेग्लिजिबल. डेटा को सेंडर से रिसीवर की तरफ ट्रांसमिट करने का जो टाइम है उसको नेग्लिजिबल कंसीडर किया गया है. यहाँ पर सेंडर जो है वो फ्रेम ट्रांसमिट करता रहेगा रिसीवर को और रिसीवर जो है उसको रिसीव करता रहेगा. तो ये फिगर शो कर रहा है कम्युनिकेशन यूजिंग सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल या एलिमेंट्री डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल. द सेंडर सेंड्स ए सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट द रिसीवर. तो एलिमेंट्री डेटा लिंक प्रोटोकॉल में क्या होता है, सेंडर जो है सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स को भेजता जाता है एक एक करके और ये भी नहीं सोचता है और रिसीवर के बिना सोचे हुए कि वो उसको रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है. नो एक्नॉलेजमेंट और रीट्रांसमिशंस यूज. यहाँ पर कोई भी एक्नॉलेजमेंट जो है रिसीवर सेंडर को नहीं भेजता है और ना ही रीट्रांसमिशन होता है किसी भी फ्रेम का, क्योंकि हमने यहाँ अज्यूम क्या किया है कि हमारा जो चैनल है सेंडर और रिसीवर के बिटवीन वो नॉइसलेस है तो कोई भी फ्रेम लॉस्ट नहीं होगा. इफ़ फ्रेम हैज़ डी डेटा बिट्स एंड एच ओवरहेड बिट्स चैनल बैंडविड्थ बी बिट्स पर सेकेंड. तो अगर फ्रेम के अंदर डी डेटा बिट्स हैं और एच जो हैं एक्स्ट्रा बिट्स हैं फॉर परफॉर्मिंग सम कैलकुलेशंस, तो और चैनल की बैंडविड्थ अगर बी बिट्स पर सेकेंड है तो मैक्सिमम चैनल यूटिलाइजेशन कितना होता है एलिमेंट्री डेटा लिंक प्रोटोकॉल में, डेटा साइज डिवाइडेड बाय फ्रेम साइज. डेटा साइज क्या है डी और फ्रेम साइज क्या है डी प्लस एच. तो और मैक्सिमम डेटा थ्रूपुट कितना होता है चैनल यूटिलाइजेशन इनटू चैनल बैंडविड्थ. तो चैनल यूटिलाइजेशन कितना है डी अपॉन डी प्लस एच और चैनल बैंडविड्थ क्या है बी, तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी प्लस एच इनटू बी.